मंच की ओर एस्कॉर्ट करती हुई पायलट प्रकृति और पायलट प्रिया राघवी पंडित। हमारे मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करते हुए, जिन्हें एस्कॉर्ट करती हुई पायलट प्रकृति तथा पायलट रिया राघवी पंडित तथा एसयूओ आर्यन गुप्ता। प्लेटून नंबर दो सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई, जिसका नेतृत्व कर रही है कैडेट अंशिका ढटवाल। प्लेटून नंबर तीन कैडेट चारू टोच के नेतृत्व में सलामी देते हुए। नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट हितेश राणा। प्लेटून नंबर आठ रजत के नेतृत्व में मंच से गुजरती हुई। गणतंत्र दिवस की इस पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की ओर से भारत के सभी किसानों, बागवानों, जल थल वायु सेना के जवानों, जन साधारण, हिमाचल सरकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, भारत के सभी नागरिकों और इस विश्वविद्यालय के स्टेचुटरी ऑफिसर्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, साइंटिस्ट, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, ज्वाइंट डायरेक्टर आईपीआर, गैर शिक्षक कर्मचारी व विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं आज के इस दिन अपने उस समय को याद कर रहा हूं जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उस समय 1967 के आसपास एक फिल्म बनी
और ये 70-71 की बात है जब मैंने उसको देखा। इस फिल्म के अंदर भारतवर्ष के किसानों को, खेती को, हमारे खेती के तरीके को बखूबी प्रदर्शित किया गया। और पंजाब के एक मशहूर गायक महेंद्र कपूर जी ने उस फिल्म में अपने एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग जो सभी के कानों में आज गूंज रहा होगा, उसके तहत किसानों को, बागवानों को, हल चलाने वालों को, पानी की सुरक्षा करने वालों को, खेती करने वालों को जागृत करने की कोशिश की है। और बहुत ही खूब शब्दों में इस गीत के अंदर उन्होंने कहा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। यहां गाना तो बहुत लंबा है, इसमें पूरी खेती का वर्णन किया। चौथी कक्षा के बाद ऐसा असर इस पिक्चर का हुआ कि खेती के बारे में सोचने लगा और उसी मार्ग पर चलते हुए आज आपके बीच में कुलपति के रूप में हूं। आज हम फिर से चौथी कक्षा में जाकर के वहां के इतिहास से, वहां से देख करके अगर यहां तक पहुंचे, इन 74 वर्षों में हमने क्या किया। बैलों से हम ट्रैक्टर की तरफ आए, थ्रेशर की तरफ आए, रोटावेटर की तरफ आए, कंबाइनों की तरफ आए। रहट से हम पंप की ओर आए, स्प्रिंकलर की ओर आए, माइक्रो इरिगेशन की ओर आए, ड्रिप इरिगेशन की ओर आए, कई नई नई प्रणालियों को अपनाने की कोशिश की। और अब हम और नई दिशाएं तय करने जा रहे हैं। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आभारी हैं जिसके अथर प्रयत्नों से कृषि शिक्षा का रूप बदला, स्वरूप बदला, दिशा बदली और देश की दशा बदली। हरित क्रांति आई, हरित क्रांति ने हमें नई राहें दिखाई। लेकिन जब भी क्रांति आती है तो अपने साथ कुछ मुश्किलातें भी लेकर आती है। वो मुश्किलातें हमारे लिए चुनौतियां लेकर आई। हमारे भारतवर्ष की जैविक विविधता, उस पर एक खतरा मंडराने लगा। लेकिन उसको सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हमारी सुरक्षा में सामने आया। और हम धन्यवादी हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, जिसकी शक्ति से ये एमबीपीजीआर ने पूरी इस विविधता का संरक्षण किया। पानी का बहुत दोहन होने लगा और इस अथाह दोहन से पानी की मुश्किलातें बढ़ने लगी। क्रांति के साथ मुश्किलातें आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रांति की ओर न जाएं। दोनों पहलू महत्वपूर्ण है। जहां मुश्किल आती है उसको हल करने के लिए हम वैज्ञानिकों को, किसानों को मिलकर के समन्वय से उद्योग के साथ इसे हल करना होगा। आज मैं इस मंच से अपने उन किसानों को भी बधाई देता हूं जिन किसानों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। और जैसे आपको मालूम है,
कि हर वर्ष पिछले 3 वर्षों से हम राष्ट्रीय पुरस्कार पा रहे हैं। हमारे किसान संजय डिस्ट्रिक्ट मंडी से, उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय आईसीआर का नेशनल अवार्ड मिला। पिछले वर्ष कुंदन को, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी से हैं, उन्हें भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आईसीआर का अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला। और इस वर्ष फिर से श्री नेकराम शर्मा, जो हमारे कृषि दूत भी हैं, जो इस विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चरल एम्बेसडर हैं, जिनको अभी हाल ही में पिछले वर्ष मार्च महीने में चरखड़ी करसोग में हमारे साइंटिफिक एंड एडवाइजरी कमेटी मीटिंग और कृषि विज्ञान मेला के तहत वहां पर भी सम्मानित किया गया और सर्टिफिकेट भी दिया गया, आज उन्हें भारत की ओर से पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। जहां ज्ञान प्रसार की बात है, हमारे 8 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के तहत हमारे अनुसंधान को, शोध को किसानों तक पहुंचाते हैं, लैब टू लैंड करते हैं। आपने जैसे देखा कि पिछले 3 वर्षों से हम लगातार किसानों के बीच में साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग्स उनके धरातल पर, उनके गांव के अंदर किसानों के बीच में बैठकर कर रहे हैं। 4 दिवाली का वक्त गया, हम किसानों के बीच में नीचे बैठकर उनके साथ रूबरू होते हैं और वही विचार वटांदरा करके उनके मुश्किलों को सुनते हैं और उसका मसला वहीं पर हम हल करते हैं। ये एक दिशा है प्रसार की, ये नवानिवेश है प्रसार का और एक अच्छा माध्यम कार्य में लगे हैं और अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग किस्में जो है लेकर के आ रहे हैं। हमारी जैविक विविधता को और पारंपरिक इस शक्ति का संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है आज आपको मालूम पड़ गया होगा। जो पहले दिन से मैं आवाज बुलंद कर रहा था कि किसानों के बीच में जाकर के हमें मिलकर के उनको ये शक्ति उनकी बढ़ानी होगी, उनका मनोबल ऊंचा करना होगा, जो अपने पास ऐसा पुराना बीज रखते हैं, आज श्री नेकराम शर्मा जी ने यह सिद्ध कर दिया जब उनको पद्मश्री अवार्ड मिला कि इसका महत्व राष्ट्र के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है। हमें जब इस राह पर चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, कृषि विश्वविद्यालय के लिए और प्रदेश के लिए कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। हमें सबसे पहली चुनौती है कि हम शिक्षा का जो आदान प्रदान है वो विश्व स्तरीय हो, ग्लोबल लेवल का हो, कंपिटेटिव हो, क्योंकि आज हम ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं। ये सारा एक गांव है, ये धरती एक गांव है, ये हमारी मुट्ठी में है, हमें पूरे विश्व की सूचना एकदम मिलती है। हम क्यों ना पूरे विश्व की उस शक्ति को समझकर फिर कार्य करें और अपने विद्यार्थियों के अंदर वो विश्व स्तरीय कृषि शिक्षा का आदान प्रदान करें, ताकि हमारे विद्यार्थी विश्व स्तर पर इस विश्वविद्यालय का और प्रदेश का नाम रोशन करें। दूसरा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य लगता है वो पानी का संरक्षण है। बिना पानी के खेती करना बहुत मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश के लिए हमेशा हम ये कहते हैं कि 85% एरिया जो है वो अंडर रेनफेड कल्टीवेशन है। दूसरे राज्यों से जाकर पूछो, वहां वो हैरान होते हैं कि आपके हिमाचल प्रदेश से 5 नदियां हमारे प्रदेशों की ओर बह रही हैं, दूसरे देशों की ओर जा रही हैं और आप पानी से वंचित हैं। सबसे पहली जरूरत कृषि की पानी है। पानी है तो जीवन है, अगर पानी नहीं तो जीवन भी नहीं है। इस पानी का संरक्षण करने के लिए मैं जब से कुलपति बना हूं तब से आवाज बुलंद कर रहा हूं कि जब तक गांव गांव में हम छोटे छोटे तालाब बना करके
वर्षा के पानी का संरक्षण नहीं करेंगे अगर तक हमें कामयाब किसी क्षेत्र में जो है वो जिमीकंद हो रहा है तो उसको अगर हम ये आह्वान करें कि पूरा क्षेत्र जो है वो जिमीकंदमय हो जाए तो किसान मुझसे पूछता है कि साहब बता दीजिए कि इसका मंडीकरण कहाँ होगा, हमें इसमें अच्छा धन कहां से प्राप्त होगा, इसको बेचा कहां जाएगा। इसके लिए हमारी भारत सरकार और हिमाचल सरकार सजग है, FPO के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से नई दिशाएं खोजी जा रही हैं। जब हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे और अपनी कॉमोडिटीज को, एग्रीकल्चर को, पशुपालन को, होम साइंस को, फूड प्रोसेसिंग को, इसको हम मंडीकरण के साथ जब जोड़ेंगे और बाईबैक मैकेनिज्म को चुस्त दुरुस्त करेंगे तो सही मायने में हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी। जैसे मैंने कहा कि स्वचालित मशीनीकरण, ऑटोमेशन इन मशीन्स, मशीनरी जो है वो एक बहुत अटूट अंग हमारे कृषि का है। आप चाहे एग्रीकल्चर ले लो, चाहे आप वेटरनरी ले लो, चाहे होम साइंस ले लो, कहीं भी जहां भी आप जाते हैं अगर मशीनीकरण उसमें किया जाए तो एक तो उससे आकर्षण पैदा होता है, दूसरे हमारा समय बचता है और उसमें स्वच्छता रहती है। ये मशीनीकरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के माध्यम से और नई दिशाएं खोजने में लगे हैं। अभी हाल ही में मैं पंजाब गवर्नमेंट ने, ICR ने, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने लुधियाना में एक एग्री एक्सपो 2023 किया जिसमें मुझे चीफ गेस्ट बुलाया। वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज किया गया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या कर सकती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, ये मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर एक, ये फार्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए कि ये दूसरे नंबर पर इसका प्रसार जो है इस क्षेत्र में, फार्म सेक्टर में हो सकता है। पूरे विश्व में आज लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं और हम एग्रीकल्चर को किस तरह से स्टीक बना सकते हैं, प्रसिजन फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते ही कृषि में एक अद्भुत आकर्षण पैदा हुआ है और हमारे सभी विद्यार्थी और दूसरे हमारे ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स और दूसरे क्षेत्रों के बच्चे भी, लोग भी जो है इसमें शामिल होने के लिए प्रयत्नशील हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे इसमें हम प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की बात करें, यानी कि संरक्षित खेती की बात करें, साइलेज की बात करें, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की बात करें, फूलों की खेती की बात करें, ऑफ सीजन वेजिटेबल की बात करें, हम अनाज, दाल, तेल, दलहन, तिलहन, सब्जियां, न्यूट्रास्यूटिकल क्रॉप्स, फॉडर्स, मशरूम, मछली पालन, दुग्ध परियोजनाएं, पशुधन का पालन, ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, प्रसंस्करण उद्योग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब जो है वो कृषि का एक अटूट अंग है। क्योंकि ये सब कृषि का अटूट अंग है तो हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में जहां पर 4 और 5 बीघा किसानों की जगह है, इतनी जमीन के अंदर वो खेती कैसे करें, कैसे सब कुछ संभव है, कैसे वो अच्छा धन प्राप्त कर सकता है, इसको व्यवसाय बना सकता है, उसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत हमें जाना होगा। एक किसान को सब कुछ करना होगा, हमें वर्टिकल फार्मिंग को चूज करना होगा, थोड़े से क्षेत्र में हम ये सभी कुछ करना होगा, तभी हमारा ये एक एंटरप्रेन्योरशिप बनेगा और हम जीविकोपार्जन, जिसको हम कहते हैं जीविकोपार्जन से निकलकर हम व्यवसाय की ओर आएंगे। हमें सिर्फ निर्वाह नहीं करना है, हमें निर्वाह से भी आगे निकलना है और इसको एक व्यवसाय बनाना है। जीविकोपार्जन अब हो गया, अब व्यवसाय को अपनाते हुए वाणिज्य की खेती की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। देश के उत्थान, समृद्धि और विकास में
हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों का एक अहम योगदान है। जैसे मैंने आपको जैविक विविधता का एक उदाहरण दिया, अभी हमारे बीच में ये जो फंक्शन हो रहा है इसमें एनसीसी कैडेट्स का मैं देख रहा हूं कि हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और एनएसएस के बच्चे भी इसमें शामिल रहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से इसका प्रदर्शन करते हैं। और डॉक्टर अंकुर शर्मा और डॉक्टर निशान दोनों मिलकर के और एनएसएस के सभी प्रभारी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी मिलकर के इस फंक्शन को बहुत अच्छा बनाते हैं। जहां तक हम एनसीसी की बात करें, एनसीसी का प्रारूप हमारे कृषि विश्वविद्यालय का पिछले 2.5 वर्षों में बदला है। हमारी सीटें जो है वो 2 गुना हो गई हैं और हमारे गर्ल स्टूडेंट्स भी इसमें आ रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि गर्ल स्टूडेंट्स बॉयज का मुकाबला करते हुए बराबर नंबर उनका भी पहुंच रहा है। और इस बार 59 कैडेट्स ने बी सर्टिफिकेट और 30 स्टूडेंट्स ने सी सर्टिफिकेट हासिल किया। हमारे बच्चे ब्लड डोनेशन के लिए भी हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और ब्लड डोनेशन में 40 बच्चों ने अभी अभी पिछले 6 माह में ब्लड डोनेट किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे प्रोग्राम, ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग एक्सपेडिशन, इसमें हमारे बच्चियों ने अभी भाग लिया। वन ऑफ अवर गर्ल कैडेट्स दिव्यांशी उपाध्याय, शी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर आर्मी अटैचमेंट कैंप एट ममून कैंट पठानकोट। ये बहुत खुशी की बात है। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि इस वर्ष भी एक एक्स सीनियर अंडर ऑफिसर भानु शर्मा, ही हैज गॉट सिलेक्टेड इन ओटीए चेन्नई। ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए, एनसीसी भी एक रास्ता है। एनसीसी करते हुए कृषि, बागवानी, पशुपालन, इसकी शिक्षा, होम साइंस, इसकी शिक्षा लेते हुए साथ साथ में आप जब एनसीसी करते हैं तो कई बार एनसीसी आपका करियर बन जाता है और आप इसमें किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमें बहुत खुशी है कि एनसीसी के बदलते इस प्रारूप में हमारे एडीजी मेजर जनरल राजीव छिप्पड़ जी, ग्रुप कमांडर और धर्मशाला से भी ओसी यहां पर बार बार आते रहे और हमें मार्गदर्शन करते रहे। एनसीसी आगे बढ़े और बढ़कर के देश की सेवा करे, ये मेरी इच्छा है और मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। जब हम कृषि की आधुनिकता की बात करते हैं तो मैंने कहा कि जैसे मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर विल अट्रैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग अस अवर यंग जनरेशन, कृषि आधुनिकता जब होगी अपार, कृषि व्यवसाय के खुलेंगे द्वार। कृषि आधुनिकता होना इतना महत्वपूर्ण है कि युवा शक्ति को यही एक आकर्षित कर सकता है। अगर आधुनिकता नहीं तो दिशाएं बदल जाएंगी। इसलिए कृषि में जो आधुनिकता हो रही है वो उसको हमें बहुत जल्द अपनाना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यदि हम अपने कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो धीरे धीरे विश्वविद्यालय का स्वरूप बदल रहा है, विश्वविद्यालय की शक्ति बदल रही है। विद्यार्थी और वैज्ञानिक विश्व के उच्च कोटि के विश्वविद्यालयों से जुड़ने लगे हैं। विकसित देशों को सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं और देश के उत्तम आईसीएआर संस्थानों से हमारा नाता जुड़ने लगा है। किसानों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने लगे हैं और अब तो एक हमारे कृषक को पद्मश्री से भी नवाजा गया है। युवा शक्ति कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने हेतु हमारी युवा शक्ति जागृत हो रही है। युवा पीढ़ी
कृषि शिक्षा को सर्वोत्तम मानने लगी है। आधुनिकतम तकनीकों के आने और अपनाने से आशा की किरण जगी है। कृषि से जुड़े उद्यमी विश्वविद्यालय से नाता जोड़ने लगे हैं। डॉक्टर इंजीनियर भी कृषि को अपनाने लगे हैं। हिमालय का शुद्ध जलवायु, खान पान परिधान की गुणवत्ता की विविधता पूरे विश्व में समाने लगी है। हिमाचल के सभी पहाड़ी क्षेत्रों के जन जन में आधुनिक कृषि, बागवानी, पशुपालन के लिए जागृति सी आने लगी है। आओ हम सब वैज्ञानिक और गैर शिक्षक कर्मचारी मिलकर इस जागृति को और प्रज्वलित करें और हिमाचल सरकार और आवाम के स्वर्णिम हिमाचल का सपना साकार करें। तभी जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा चरितार्थ होगा। जय हिंद, जय हिमाचल। महोदय द्वारा ही राष्ट्रीय क्रेडिट कोड को कृषि विश्वविद्यालय के कार्यालय हेतु उचित स्थान प्रदान किया गया है। महोदय के ही आदेशों के फल स्वरूप विश्वविद्यालय के इतिहास में प्रथम बार प्रशासनिक भवन के सम्मुख राष्ट्रीय ध्वज के साथ एनसीसी का ध्वज भी स्थापित किया गया है। यही नहीं, विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अब राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का अलग से वेब पेज भी महोदय के कार्यालय में स्थापित हुआ है। महोदय की कार्यशैली से प्रभावित होकर राष्ट्रीय क्रेडिट कोड द्वारा विश्वविद्यालय की रिक्तियां 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई हैं। महोदय जी को कर्नल कमांडेंट का रैंक मिलने से हमें पूर्ण विश्वास है कि महोदय का कृषि विश्वविद्यालय की एनसीसी इकाई के प्रति भविष्य में भी पूर्ण प्रोत्साहन रहेगा। धन्यवाद महोदय। इस देश से ही मेरी पहचान है, यही मेरा दिल, यही मेरी जान है। प्यारा तिरंगा हमारा शान है, हाँ यही मेरा हिंदुस्तान है। नाउ आई वुड सजाया है कि धनी माँ ने धानी साड़ी पहन श्रृंगार सजाया है। गणतंत्र दिवस फिर आया है, गणतंत्र दिवस फिर आया है। नमस्कार। आजादी के बाद से ही और पूरे विश्व में एक गणतंत्र भारत के रूप में विख्यात होने के बाद से ही
हमारा भारत एक पथिक के समान चलता ठहरता और पुनः चलता इस सफर को पूरा करता आया है, इस राह को पूरा करता आया है। और हम सब इस चीज के साक्षी भी हैं कि कई बार ये चलते चलते ठहरा भी है और ठहर के उलझा भी है। लेकिन देखिए, हमारे देश की आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत है कि हम पुनः उठे, हमने अपनी समस्याओं को सुलझाया और फिर आगे बढ़े। तो कुछ यूं ही चलते ठहरते उलझते सुलझते और पुनः चलते हम इस सफर को पूरा करते आए। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे और इस मंच के माध्यम से मैं अपने सभी युवा साथियों तक चंद पंक्तियों के द्वारा एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, मुझे हास्य की भाषा नहीं आती, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखने भी नहीं आती, बस यूं ही मन की बात सुनाता हूं, बस यूं ही मन की बात सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है एक नया गांव। एक नया गांव
जोर कितना बाजुए बढ़ाते करता नहीं क्यों दूसरा कुछ काट चीज देखता हूं मैं जिसे वो जो तेरी महफिल देखना है जोर कितना बाजुए बढ़ाते।